हेरा, मैं आपसे सवाल कर रहा था, यंगस्टर्स का ये मंशूर देखकर, शऊर देखकर आपको क्या लगता है, क्या आइंदा आने वाले वक्त में हमारा खुश आइन वक्त है, आने वाला? बहुत खुश आइन वक्त है, और मुझे ऐसे लगता है कि अभी शऊर की बहुत ज्यादा कहना चाहिए, अब यूथ को पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। अवेयरनेस आ गई है, लेकिन इसको बूस्ट करने की अभी भी जरूरत है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस जो होती है वो भी आ गई है, क्योंकि शुरू शुरू में अब जो हम अब क्या अगर कहना चाहिए, हम यंगस्टर्स हैं तो कुछ अर्से पहले तक हम लोग नहीं, माशाल्लाह आप तो हम मेच्योर नहीं थे इतना। एक होता है ना वो जहन आपका साथ नहीं दे रहा होता जो भी डिसीजंस हो रहे होते हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं, ये वक्त आ गया है कि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें अवेयरनेस भी है, पता है और एक्सेप्टेंस है। अब जो भी रिजल्ट्स आए हैं सारी यूथ ने भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। शुरू शुरू में शोर किया, फिर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, पहले जो है लोग इतना नहीं निकलते थे वोट देने के लिए, क्योंकि मे बी वो चीज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब जो लास्ट कुछ सालों में कोविड के बाद स्पेशली जो इन्फ्लेशन सारी आवाम ने देखी है, उसके बाद अब स्पेशली यूथ में बड़ी अवेयरनेस आ गई है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आप क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपका ज्यादातर वक्त जो है सोशल मीडिया पे गुजरता है, रहता है, आप सोशल मीडिया पे क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे जो हमारी न्यूज़ आ रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है, अवेयरनेस आ रही होती है, मोटिवेशंस आ रही होती हैं, उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये यंगस्टर्स को कितना मोटिवेट और बूस्ट करते हैं ये सारी चीजें? मोटिवेट और बूस्ट तो करते हैं, लेकिन इम्तियाज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी आजकल मसला आ रहा है, क्रिटिसिज्म भी उस पर मिल रहा है, वो है फेक न्यूज का। बगैर तस्दीक किए न्यूज आ जाती है, हर कोई शेयर भी कर लेता है, और हर बंदा साफ ही बना हुआ है, हर बंदा साफ ही बना, और लोगों ने तो व्यूज लेने के लिए भी थंबनेल कुछ और लगाया होता है, अंदर कुछ और होता है। ये तो बहुत ज्यादा आम हो रहा है सब, ये अगर देखा जाए तो व्यूज के लिए लोग करते हैं, थंबनेल पे कुछ और लगा दें, वीडियो आप ओपन करें पूरी देख भी लें, और उसमें लेकिन हीरा बेशक फॉर टाइम बीइंग ये हो जाता है, हम फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, हम अपना वोट बैंक बना लेते हैं फॉलोअर्स की शक्ल में। अच्छा, मैं लेकिन मैं ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, मैं इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप दिखा कुछ और रहे हैं और फिर उसमें अंदर कुछ और है, तो आई थिंक आप वहीं से हट जाएंगे। ट्रस्ट इशू जब आपका वो ब्रेक हो जाए ना, फिर उसको मेंटेन करना, तो ये वैसे ही हो जाता है जैसे लड़कियां मेकअप करके बैठती हैं और मेकअप के बाद दिखती हैं। अच्छा, मतलब आपने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो मेकअप के बाद कुछ और देखी होंगी भाई, मुझसे ज्यादा आपने देखी होगी, आपका फ्रेंड सर्कल लड़कियां ही होंगी, मेरा ज्यादातर लड़का है। अच्छा, इतने